हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग जो है यहाँ मार्केट में हैं, शॉपिंग करने आए हैं सनाया के लिए जन्माष्टमी की। और इधर बारिश हो रही है तभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सारा सामान ऑलमोस्ट खरीद लिया है। सनाया अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इन्हें एक जो है चिप्स दे दिया गया। चिप्स खा रही हो? ये क्या कर रही हो? ये ब्रश कर रही हो क्या चिप्स से? पता नहीं बारिश कितनी देर में बंद होगी भाई, काफ़ी दिक्कत हो रही है। और बाय द वे सामने खड़ी अपनी स्कूटी, तो स्कूटी से आए हैं, कार यहाँ आ नहीं पाती, कार तो बाहर पार्क करनी पड़ती। बट कार से यह है कि हम लोग आराम से निकल सकते हैं, भले ही कैसे न कैसे अगर गाड़ी के पास पहुँच जाते तो निकल जाते ना। बस बारिश में यही तो दिक्कत है स्कूटी की, स्कूटी या बाइक से। और बाकी ये सारे शॉपकीपर्स हैं, इनके लिए भी दिक्कत हो गई है। इनका मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जो शाम को आने को थे उन्होंने कैंसिल कर दिया, और कुछ लोग जो है आधा अधूरा सामान खरीद के भाग गए हैं ना। चिप्स खिला के इनका दिल बहलाया जा रहा है। मन हो रहा है चाय पीने का, तो यहाँ कहीं चाय दिख भी नहीं रही है। सामान कहाँ, सामान नहीं भीग रहा है, थोड़ा बहुत है इसके अंदर भीग रहा है। तो फिलहाल हम लोग भीगते भागते जो है घर आ गए। चलता सही है, चलता लग रहा है। अच्छा सही कर रहा है ना? क्या किसी पर रखा है? ऊंचा लग रहा है। नहीं तो अब बारिश की वजह से इधर जो है सारे कपड़े यहाँ पे फैला दिए गए हैं। क्या? अरे अब तो उतर जाओ, अब तो घर पे आ गई हो। खेलो खेलो, कल बॉल बॉल फिर भी एक बॉल कहाँ है? देखे पापा वहाँ पड़ी है बॉल, पता नहीं है अभी बॉल दे देंगे। अरे ये क्या कर रही है? उठा उठा उठा, पूरा घूमा है मेरी बच्ची ने, बद्दी नहीं बन रही, बताओ। मैं पूरा भैया घूमा। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, थक गए क्या? गोदी हम ले रहे हैं, चाय बनाओ यार जल्दी से। ये रुक जाओ, हम वहां पे बना के फिर पिला दो। तो शाम के 6:20 हो गए। बाय द वे इधर काफी शोर हो रहा है, क्योंकि सनाया और वहां की उनकी मौसी और नाना जी अपना गेम वगैरह खेल रहे हैं। चाय बना रही मेरे लिए। मैंने अपनी टी शर्ट चेंज कर ली, बट इन्होंने नहीं की है। तो बाय द वे जन्माष्टमी का सारा सामान आ गया, तो डिनर की तैयारी अभी यानी जो है शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम बाय द वे काफी हो गया। जब अभी से बनाना शुरू करेंगे तभी बना पाएंगे, 9-10 बज जाएंगे। स्नैक का जो है जो कृष्णा वाला सारा आइटम है, लाइक सूट पूरा और उसका ये माला, कमरबंद, और कमरबंद के अलावा क्या है? कमरबंद के अलावा क्या है? माला तो बोल दिया मैंने, बांसुरी और हाँ मोरपंख। हाँ तो सारा आइटम आ गया, तो सनाया को भी रेडी किया जाएगा। पहले आप डिनर की तैयारी करोगे या सनाया को रेडी करो? मेरे हिसाब से जो है डिनर की तैयारी पहले कर लो, ठीक है? आटा वगैरह सब लगा के रख दो, खीर बनने रख दो, बनती रहेगी तब तक धीरे धीरे, और उसके बाद भी इसे रेडी कर दो, सही रहेगा हर चीज में। तो सबसे पहले जो है खीर की तैयारी हो रही है। आज अनी बनाएंगी खीर मस्त वाली एकदम, बट मैंने ने पहले सुबह गाइड कर दिया था कि खीर कैसे बनानी है सबसे अच्छी वाली खीर। तो आप आज बना दो। अरे दूध को छान के डाल रही हो, वेरी गुड। खीर के लिए इधर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया गया। कभी भी खीर बनाए तो ये जो है 1 लीटर दूध है, तो आपको सिर्फ 1 मुट्ठी इसमें डालना है, 1 मुट्ठी राइस डालना है। और अगर चाहें तो क्या करें कि जो है 1 मुट्ठी छोटा वाला राइस है ना, उसे मिक्सर ग्राइंडर में एक बार डाल के बस 1 सेकंड के लिए आपको एक बार घुमाना है, बस फिर डालना है। 1 मुट्ठी से ऊपर डालेंगे फिर नहीं अच्छी खीर बनेगी। तो मैंने खीर बनाने का सीक्रेट बता दिया, और इसे धीरे 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 बनने दो, एकदम मस्त वाली खीर बनेगी। अनी को लग रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा खाना इनसे बना लेता हूँ, तो इन्होंने मुझे खीर चेक करने के लिए बुलाया है। अभी तो इसे पकने दो, अभी नहीं हुई है, हो जाएगी बट टाइम लगेगा अभी। क्या एक क्या नाक में क्या लगा दिया, मुंह में क्या लगा दिया? पनीर मुंह में लगा रही हो, खाने वाली चीज को मुंह में लगा रही हो? तो ये प्याज टमाटर हरी मिर्च को भूना जा रहा है, फिर इसे ग्राइंडर में पीसा जाएगा,
इससे बनेगा मटर पनीर। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें रोस्ट कर लिया गया घी में और इसे खीर में डालेंगे थोड़ी देर में। अभी तो आप बुआ जी से बात कर चुकी हो, वीडियो कॉल फिर से करनी है क्या? तो सुनाया कि मैंने अभी वीडियो कॉल करा दी थी। अरे बेटे क्या कर रही है, क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग? अभी वीडियो कॉल फिर लगाएंगे, फिर आप जो है फिर नौटंकी करोगी, भागोगी। अभी जब आप कृष्णा बनोगी तब वीडियो कॉल करा देंगे, ठीक है? बात करा देंगे आपकी बुआ जी से। पापा अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तब तक जो है आप बाहर जाओ, ठीक है? हाँ हाँ, ब्लॉग में एडिट कर रहा था बट सनाया जो है डिस्टर्ब करने आ गई है, थोड़ा सा बचा है। जाओ बेटू, 9:15 हो गए और डिनर वगैरह हो गया। आज बाय द वे पेट बहुत ज्यादा भर गया, खीर एकदम जबरदस्त लग रही थी। मतलब मैंने अपनी लाइफ में सेकेंड बेस्ट खीर खाई है। जो नंबर वन थी वो मेरे चैनल पे है एसके किचन इंडिया पे, सिर्फ एक ही बार मैंने खीर बनाई थी बट वो वाली तो मतलब उसकी तो बात ही छोड़ो, एकदम जबरदस्त है। अगर कोई ट्राई करे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे अच्छी खीर उसने खाई नहीं हो। तो काफ़ी अच्छा लगा और बाकी डिनर वगैरह सबने कर लिया है, तो वही अब सनाया के लिए थोड़ी सी थक भी गई है, तो देख लेंगे अगर वो सोई नहीं तो उसे वो कपड़े वगैरह पहना देंगे, और अगर बाई जब सो गई तो फिर किसी और दिन ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखो क्या सीन रहता है, उसके सोने को बस अब डिपेंड करता है। और इसके बाद में एक्चुअली मुझे हरदोई के लिए निकलना है सुबह सुबह जल्दी, यहाँ से मैं 8 बजे निकल जाऊँगा तो वही 10 बजे आराम से पहुँचेंगे, 2 घंटे लगते हैं अगर आराम से जाओ। उसके बाद में कोर्ट वगैरह का काम निपटाएंगे, अनी शनाया अभी यहीं कुछ दिन रहेंगी, उसके बाद में मैं जो है घर जाऊँगा, घर जाने के बाद 1-2 दिन वहाँ पर रहूँगा, उसके बाद फिर लखनऊ आऊँगा, फिर इन लोगों को रिसीव करूँगा। तो शनाया को इधर रेडी किया जा रहा है अभी। अरे मेरे कृष्णा, अरे मेरे कृष्णा, मेरा कृष्णा बाय बाय कर रहा है भाई, नींद आ रही क्या? भाई माला में डाल दे भाई। मेरे कृष्णा को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसका सोने का मूड है ना बेटू? अरे वाह भाई वाह, अच्छा लग रहा है। कन्हैया जी कहाँ बुआ गई है? अरे वो मौसी है, मौसी जी है, इनकी बांसुरी किधर है? बांसुरी अभी बांसुरी देंगे, वो तो लास्ट इसकी देखो ऐसा तक मजा आ रहा है। अरे चल माला पहना दे बेटी, आपको पहना दे, ये पहना दे कृष्ण कन्हैया जी बजैया, और फाइनली कृष्णा रेडी हो गया। अरे कृष्णा ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं कर, यू बना ऐसे। But I don't break. I heard you question my stability. कन्हैया जी ऊपर देखो, हेलो हेलो, अच्छा बांसुरी बजा दो, मिट्टू बजा दो, बांसुरी बजा दो। अरे काऊ है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आपको काऊ भी मिल गई। किधर है काऊ, दिखाओ पापा जी को, कहाँ पे है काऊ, दिखा दो कहाँ पे है। अच्छा ये रही काऊ, हाँ। और यशोदा मैया नहीं तैयार हुई है क्यों? अरे यशोदा भैया कहाँ चढ़ती चली जा रही है, माखन खाने जा रही है कृष्णा का, उसमें भले ही माखन ना होता। सोदा मैया की बहन है, नहीं पता चल रही है तैयार या नहीं। ये लो भगवान की जय। कृष्णा चला गया, गोदी ले ले गोदी, जाओ बेटू वहां पे बैठ जाओ जाके, वो बैठेगी नहीं। कृष्ण भगवान जा रहे हैं।
तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों, जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे जो है कृष्ण भगवान को विराजमान किया जाएगा।